सभी को नमस्कार। आज हम अपठित बोध काव्यांश, ये जो है होता है इसमें कविता का एक ऐसा अंश होता है जो आपने कभी पढ़ा नहीं हो या आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें ना आया हो। इसमें 100 या 150 शब्दों की कोई कविता दे दी जाती है और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और हर प्रश्न एक अंक का होता है। तो इसमें आज की जो हम अपठित बोध काव्यांश में कविता लेकर के चल रहे हैं उसका नाम है सूख गई है झील रसवंती। इसमें जो एक प्रश्न बन रहा है आप पिक्चर में कविता देख सकते हो। पहला प्रश्न जो है वह है रसवंती कौन है और क्यों सूख गई है। तो आपको कविता पढ़ करके स्पष्ट पता चल जाएगा कि रसवंती निर्मल जल वाली एक झील का नाम है। इसे कुछ स्वार्थी लोगों ने नया नगर या व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाने के लिए खरीद लिया होगा, तभी इसका जल जो है उसे सुखा दिया गया है। इस तरह से हमें साहित्यिक भाषा में शब्दों को लिखना चाहिए ताकि हमारे अंक अच्छे आएं। दूसरा इसमें प्रश्न आ जाता है कि पहले उसका सौंदर्य कैसा रहा होगा। तो कविता को पढ़ेंगे तो आप देख सकते हो कि जब उसमें पानी था, वह झील भरी हुई थी, तब इसका सौंदर्य जो था वो देखने लायक था। तब तक इसका दूर दूर तक फैला हुआ जल और उसमें पड़ने वाले हवा के झोंके ऐसे लगते थे मानो वे अपने आसपास खड़े पुराने महलों से बात कर रहे हों। एक और प्रश्न इसमें बन सकता है कि पेड़ों को कंकाल क्यों कहा और चिड़ियों को क्या पछतावा है। तो पेड़ों के पत्ते झड़ गए हैं, उनकी टहनियाँ ठठरी के समान खड़ी हैं और वे इसीलिए कंकाल के समान दिखाई दे रहे हैं। चिड़ियों को कंकाल देख करके पछतावा होता है क्योंकि वे किसी भी टहनी पर बैठने के योग्य नहीं हैं। इसी में फिर एक और प्रश्न हो जाता है कि भद्रजन कौन हैं और वे सूखी झील से भी कैसे लाभ कमा लेते हैं। भद्रजन वे लोग हैं जिन्होंने उस सूखी झील को खरीद लिया है और उसकी मिट्टी को बेच करके खूब धन कमाएंगे। फिर प्रश्न आ जाता है कि भाव स्पष्ट कीजिए। तो स्त्रियां खिन्न मन घाटों से लौट रही होंगी, ये जो पंक्ति आई है इस कविता में कि स्त्रियां खिन्न मन घाटों से लौट रही होंगी, तो इसका उत्तर कैसे होगा। स्त्रियां कभी इस झील के किनारे विहार करने आती होंगी, इसमें नहाती होंगी, जल में क्रीड़ा करती होंगी और घर गृहस्थी चलाने के लिए इसका जल भी ले जाती होंगी, लेकिन जब झील सूख गई है तो उसे देख करके उनका मन खिन्न हो गया होगा, दुखी हो गया होगा, यह इसका भाव है। आज का अपठित बोध काव्यांश जो है इतना ही। नेक्स्ट काव्यांश में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए हमारा चैनल। साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस करना है ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल जाएं।